आज मैं मूली का पराठा बता रही हूँ। बहुत कोई मूली का पराठा पसंद नहीं करते क्योंकि स्मेल आता है। मैं जैसे बता रही हूँ उस तरह से फॉलो कीजिए, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगा। सबसे पहले 2 से 3 मूली ले लेंगे, उसको कद्दूकस करेंगे और किसी भी कपड़े में बांध के उसका रस निकाल लेंगे। रस से आप उसका आटा मत गूंदिएगा तो बिल्कुल महक नहीं आएगा। फिर हम एक कटोरी, छोटी कटोरी से फाइन चॉप धनिया लेंगे, फाइन चॉप 2 से 3 हरी मिर्च लेंगे। जितना आपको तीखा खाना उस हिसाब से मिर्च घटा बढ़ा सकते हैं। फिर एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल लेंगे। जब हल्का तेल गर्म हो जाए तब 1/2 टीस्पून अजवाइन लेंगे और हल्का सा चला लेंगे। बस एक बार चलाएंगे, फ्राई पैन गर्म रहेगा उसमें उसका फ्लेवर आ जाएगा तेल में। फिर अपना हम इसमें कद्दूकस किया हुआ मूली डाल देंगे। मूली डालने के बाद हरी मिर्च फाइन चॉप डालेंगे। थोड़ा सा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और फिर अच्छे से इसको चला लेंगे। अभी हम नमक नहीं डालेंगे नहीं तो पानी छोड़ देगा। 2 से 3 मिनट खाली मूली भूनेंगे, ढक के नहीं, और आँच जो रहेगा हाई फ्लेम रहेगा क्योंकि लो फ्लेम में बनाएंगे तो पानी छोड़ने लगेगा मूली। 1 से 2 मिनट जब मूली हमारा भून जाए तब हम इसमें 1 टी स्पून हम इसमें बेसन डालेंगे जिससे ये पानी नहीं छोड़ेगा और फिर हल्का सा फिर चला लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ज़्यादा देर नहीं, 1 से 2 मिनट चला के फिर उतार देंगे हम। 1 से 2 मिनट जब हमारा बेसन भून जाए तब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे गैस का और फिर हम अपना स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। गर्म में मत डालिएगा नहीं तो पानी तुरंत छोड़ना शुरू करेगा। और अपना हम धनिया पत्ती डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, फ्लेम ऑफ रहेगा और अच्छे से चला लेंगे। अच्छे से मिक्स करके हम अपना मूली का बैटर ठंडा करेंगे, स्टफिंग ठंडा करेंगे। ठंडा हो जाएगा तब हम स्टफिंग करेंगे, गर्म में मत कीजिएगा तो फटने लगेगा। हमारा मूली का स्टफिंग एकदम ठंडा हो गया है। अब हम इसको पराठे बनाना शुरू करेंगे। सबसे इस तरह से आटे का डो लेंगे, अच्छे से बड़ा 2 रोटी के बराबर लेंगे, मोटा मोटा ही बनता है मूली का पराठा। फिर इस तरह से हम इसको हल्का हल्का हाथ करके इस तरह से बना लेंगे और जितना आपको स्टफिंग भरना है उस हिसाब से नया भरने वाले थोड़ा भरें ताकि फटे नहीं मूली, और जो अच्छे से भर सकते हैं स्टफिंग उसको अच्छे से स्टफिंग भरें। मैं अच्छे से भर के दिखाती हूँ। मैं देखिए इतना भरी हूँ, अच्छे से स्टफिंग भरी हूँ और फिर धीरे धीरे हाथ से ऐसे से दबा के उठाते जाइए, आराम से बन जाएगा। इस तरह से हम मुंह बंद कर देंगे और मुंह बंद वाला हिस्सा जो रहेगा वो अपोजिट करके बेलिएगा तब फटेगा नहीं। और धीरे धीरे इसमें अब सूखा आटा डस्ट कर लेंगे, करके फिर बेल के दिखाती हूँ। फिर इस तरह से हाथ से धीरे धीरे करके प्रेस करेंगे। अगर आप हाथ से बना सकते हैं तो इस तरह से भी बनता है, नहीं तो रोलिंग पिन यूज कीजिएगा, हल्का सा बढ़ जाएगा। अब हम धीरे धीरे करके बेलेंगे तो फटेगा नहीं। तवा ले लेंगे, जब तवा हमारा गर्म हो जाए तो हम थोड़ा सा ऑयल इस पर ग्रीस कर लेंगे और फिर अपना हम मूली का पराठा धीरे से डाल लेंगे। फिर एक साइड जब सिक जाए तो फिर हम पलट देंगे और फिर साइड साइड से हम हल्का हल्का तेल डाल देंगे ताकि दूसरा साइड भी क्रिस्पी बन जाए हमारा पराठा मूली का। जब तक हमारा पराठा सिक रहा है तब तक आप जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पुराने हैं प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। अब हमारा पराठा बन के तैयार है, मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। लीजिए हमारा मूली का पराठा बनके एकदम तैयार है। इसे हरी चटनी के साथ या आपको टोमेटो केचप के साथ खाना हो जिसे आप चाहे उसे एंजॉय कर सकते हैं।